ये पटना का जहाँ मंत्री और विधायक रहते हैं, हमारा भी आवास इसी क्षेत्र में है। और पूरी पटना ये 24 घंटे से बारिश हुई है, बारिश का खत्म होना भी 12 घंटा हो गया और फिर भी हाल बेहाल है। नगर को नरक बनाने वाले पहली बारिश में ही पूरा पटना महानगर नरक क्यों बना? नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी आवाज सदन में गूंजती थी, उप मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, पहली बारिश ही पटना को नरक बना दिया, क्यों जल निकासी का व्यवस्था नहीं हुआ? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। मानसून का मौसम आ गया है, लगातार बारिश हो रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपको बता दें किस तरीके से वो गाड़ी से घूम घूम कर तमाम जगहों का तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ी ही बारिश में पूरा पटना जो है वो डूब गया है। लगातार वो अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं और नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। नगर को नरक बनाने वाले पहली बारिश में ही पूरा पटना महानगर नरक क्यों बना? नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी आवाज सदन में गूंजती थी, उप मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, पहली बारिश ही पटना को नरक बना दिया, क्यों जल निकासी का व्यवस्था नहीं हुआ, क्यों तैयारी नहीं हुआ? स्वास्थ्य विभाग में मिशन 16 चला रहे थे और नगर विभाग में सिर्फ अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हैं। जितने सफाई कर्मी है उसका टेंडर का घोटाला चल रहा है, उस प्राइवेट एजेंसी से तहसीलदारी की व्यवस्था बन रही है। समय पर ईमानदारी से काम नहीं होना और एक ही मंत्री 5-5 विभाग लेंगे तो कितना संभालेंगे? मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, पटना को कब तक डुबाए रखिएगा? क्यों भ्रष्ट पदाधिकारियों की जमात सिर्फ कमीशन खोरी और तहसीलदारी में लगा रहेगा? जनता के प्रति जिम्मेवारी क्यों नहीं निर्वहन करेगा? ये आपको बताना होगा। पटना राजधानी सहित आज कटिहार से लेके कई शहर, हर जगह यही वातावरण है। जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। विपक्ष में बड़ी बड़ी आवाजें निकलती थी, मौन क्यों है? पिछला अनुभव से सबक क्यों नहीं सीखा? इसके लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेवार है? आप उस पर क्या एक्शन लिए, ये भी बताने का कार्य करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पर। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें।